तो गाय, जब हमारे सीरीज की शुरुआत हुई थी तब मैंने कुछ ये बोला था, ये है माइनक्राफ्ट का एक विलेजर और मैं ऐसे ढेर सारे विलेज का एक राजा बनना चाहता हूँ, जिसके लिए मुझे चाहिए होगा एक मेगा विलेज, जो कि आज की वाली वीडियो में हम लोग बनाने वाले हैं। तो यस, आज मैं उसी वादे को कंप्लीट करते हुए हम लोग एक हट बनाने वाले हैं, मतलब एक छोटा सा घर बनाने वाले हैं, जो कि दिखने में काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत होने वाला है। और मैंने जो लास्ट एपिसोड में जो क्वेश्चन पूछा था उसका जो है तीन जनों ने एकदम सही जवाब दिया है, सो उनका नाम जो है मैं उस हट के अंदर लिख दूंगा एक साइन के ऊपर। सो अभी बिना किसी देरी के हम लोग उसके मटेरियल इकट्ठा करना चालू कर देते हैं। सबसे पहले हमें चाहिए होंगे डीप स्लेट, और डीप स्लेट में इंस्टेंट माइन तो होता ही नहीं है। तो हम लोग क्या करते हैं ना, सबसे पहले तो हम लोग एक बड़ी सी लंबी टनल खोदते हैं और उसके बाद उसके आखिर में एक विदर्स को स्पॉन कर देंगे और उसे मारते मारते पीछे आ जाएंगे तो वो सारा का सारा हमें माइन करके दे देगा। और सैडली हमें कोई भी डायमंड्स नहीं मिले, लेकिन हमें डीप स्लेट तो मिल गए एक सर्कल बॉक्स भर के। तो गाइज, मैंने यहाँ पर जो है दो तीन मार्क आउट कर दिए ये एरिया जहाँ पर हम लोग बनाने वाले हैं छोटे से घर, लेकिन आज की वाली वीडियो में हम लोग कुछ यहाँ पर जो है बनाने वाले हैं, तो बस आज एक ही बनेगा, लेकिन इसमें भी काफ़ी ज़्यादा टाइम लगने वाला है। सच्ची बता रहा हूँ, इसमें 5-6 घंटे तो आराम से जाने वाले हैं। और ये वाला घर बनाने के लिए हमें जो है काफी ज्यादा प्रूफ ब्लॉक की जरूरत पड़ने वाली है, इसलिए मैं क्या सोच रहा हूँ ना, हम लोग जाके थोड़े बहुत जो है फार्मिंग कर लेते हैं प्रूफ की, मतलब वही अपने ट्री फार्म पे जाके। यस, यहाँ पर जो है प्रूफ लॉक भी डन हो चुके हैं, हमने काफ़ी ज़्यादा फार्मिंग कर ली है। अभी हमें थोड़े बहुत जो है व्हाइट टेराकोटा चाहिए होंगे, जो कि हमें रेड फार्म के पास मिलने वाले। यस, हम लोग अभी यहाँ पे आ गए हैं और मैं क्या सोच रहा हूँ, हम ना एक नया बीकन भी बना लेते हैं, इसलिए मैं जो है एक क्विक रेड कर देता हूँ। और यस, अभी हम लोगों ने यहाँ पर एक बीकन भी सेटअप कर दिया है, फटाक से हम लोग जो है थोड़ी बहुत यहाँ पे माइनिंग कर लेते हैं, उसके बाद जो है हम लोग सीधा अपने घर बनाने के लिए हम लोग चले जाएंगे। अभी मैं यहाँ पे आया था अपने मेसन द बेसन के पास, बिकॉज मुझे जो है थोड़ी बहुत जो है ब्रिक्स की जरूरत पड़ने वाली थी, मतलब जो बेस के पास जो ब्रिक होती है उसकी जो है जरूरत पड़ने वाली थी, थोड़ी बहुत डेकोरेशन के लिए चाहिए थे हमें। सो यस, अभी ये भी कलेक्ट हो चुका है, तो मुझे ऐसा लगता है कि अभी हमारे पास जो है सारे के सारे मटेरियल्स आ गए उसको बनाने के लिए। सो अभी मैं क्या करता हूँ ना, एक वीडियो चला देते हैं हम लोग। तो गाइज, गुड मॉर्निंग, इसी के साथ यहाँ पर जो है सुबह होती है और हम लोग
और हम लोगों का जो ये हाउस है, मतलब एक विलेजर के लिए हमने जो ये हाउस बनाया है वो भी यहाँ पे कंप्लीट होता है। दिखने में ये क्या ही बढ़िया लग रहा है। और यहाँ पर मैंने जो है बाहर पे यहाँ पर थोड़ी बहुत जो है टेरा फार्मिंग भी की है, देखने में काफ़ी ज़्यादा बढ़िया लग रहा है। अगर आपको इसमें कुछ इम्प्रूवमेंट चाहिए तो कमेंट डाउन कर दो। वैसे मुझे तो नहीं लगता कि इसके अंदर और कुछ हमें इम्प्रूवमेंट करने की ज़रूरत है। वैसे मैं आपको जो है यहाँ पर थोड़ा बहुत जो है टूर भी दे देता हूँ। देखो यहाँ पर जैसे हम लोग अंदर आते हैं, यहाँ पर इसका ग्राइंडस्टोन रखा हुआ है जो भी यहाँ पे टूल्समिथ होगा, और यहाँ पर वो ना टूल्स बना रहा है, इसलिए यहाँ पर मैंने जो एक एक्स लगा रखी है जो कि स्मेल डाउन हो रही है, ऐसा कुछ तो है। और इससे से ही ऊपर जो है यहाँ पे चिमनी बनाई है हमने, और यहाँ पर भी हमने एक डायमंड पिकैक्स रख दी है जो कि मैंने विलेजर से खरीद ली है। मतलब ऐसा ही एमरेड तो अपने पास अनलिमिटेड ही है ना। और ये इसके थोड़े बहुत जो टूल्स है क्या करेंगे उसको ये पता। और यहाँ पर भी हमने थोड़ा बहुत स्टोरेज रखा हुआ है। और जैसे हम लोग ऊपर जाते हैं यहाँ पर एक अलमारी है जिसके अंदर थोड़े बहुत मैंने आर्मर्स लगा दिए, और यहाँ पर बेड है उसका, यहाँ से एक बढ़िया सा व्यूज आता है। एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो कि हमने बोला था कि हमें 3 लोगों को शाउट आउट देना है, शाउट आउट टू भरत चौधरी, शाउट आउट टू मिस्टर जे एस गेमर एंड शाउट आउट टू गेमर जीतू ओजी। और इन तीनों के अभी मैंने जो है यहाँ पे इनको ग्रेड आई दे दिए, मुझे लगा था कि बढ़िया दिखेगी नहीं, लेकिन मैं जो है अभी 2 मिनट के अंदर इनको जो है ब्लैक डायमंड दे देता हूँ। यस, हमने जो है इनका भी कलर चेंज कर दिया है। और आपको ये घर कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर से बताना। हम लोग मिलते हैं अभी अगली वाले एपिसोड में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय एंड सी यू। और ये बात जरूर से याद रखना कि हमारे 100 सब्सक्राइबर्स होने वाली है, तो जिसने भी सब्सक्राइब नहीं किया जल्दी से सब्सक्राइब कर दो यार, अभी तो चैलेंज भी चल रहा है हमारा डेली 1 वीडियो का। सो यस, कंटेंट की तो बिल्कुल भी कमी नहीं है। सो मिलते हैं हम लोग कल, तब तक के लिए टाटा बाय बाय सी यू।